गाइस आज हम लोग जो ना पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल मतलब के रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं हर एक रिएक्शन को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है मतलब कि आप किसी में भी कह लो, बोर्ड में कह लो, जेई में कह लो, नीट में कह लो, कोई भी एग्जाम में कह लो, जो मतलब कि इंजीनियरिंग की कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ना रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। केमिस्ट्री में मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि आपको पता होगा कि 12th क्लास के जो केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है वो पूरा ऑर्गेनिक है, तो उसमें ही जो है ना पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है। तो 11th में भी कुछ कुछ दे रखे और 12th में भी दे रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें इसमें देखना है क्या, मैंने अभी बताया था ना कि आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसलिए इस चीज को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि देखो ये कितनी ये थ्योरी कुछ थ्योरी पार्ट है, बस मैं थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ बस एक स्लॉट में। तो बस मैं सोचा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं, बेसिक आइडिया थोड़ा थोड़ा लग जाए, ठीक है। ये मैं लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो ठीक है टाइम नहीं बर्बाद करते हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में जानना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में आपको हमेशा झंझट रहेगी, तो आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से याद करना होगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि जब मैं इसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और पानी निकाला, कुछ भी बोल दूं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, अब चलिए हम चलते हैं बताते हैं आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, देखो न्यूक्लियो मतलब एन मतलब क्या आपको दिख रहा है, एक एन का मतलब निगेटिव जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस, मतलब कि निगेटिव चार्ज होनी चाहिए, मतलब आपको समझ में न्यूक्लियोफाइल का मतलब। हेलो गाइस, मैं आपको पहले जैसे मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले देखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, एक होता है न्यूक्लियोफाइल एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, बस इसको आपको जानना पड़े, क्योंकि इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, तो मैं इसको सोचा टाइम क्यों बर्बाद करूं आपका और अपना भी, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, बस ये चीज आपको पता हो जाएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इजी मतलब आप समझ जाओगे कि किसको अटैक करवा रहे हैं किसको नहीं करवा रहे हैं, कहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो फिर वहां जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानें। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है आप ये समझना कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब जैसे कि डिफिनेशन से लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन उसके पास भरपूर मात्रा में होगी, ठीक है। बस इतना याद आपको रखना है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विद वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब क्या जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या हो कमी हो बहुत कमी हो उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास गरीबी आ गई हो, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब गरीब आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है रिच है मतलब वो अमीर आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है विद वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी उसके साथ साथ क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि मैं अभी बताता हूं वैकेंट ऑर्बिटल, सबसे पहले हम इसको जानते हैं, जब ALCL की 3 के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा वैकेंट ऑर्बिटल किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल तो मैंने बता दी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम याद कैसे रखें कि न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। देखो सबसे इजी सब ट्रिक बताता हूं, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है निगेटिव चार्ज, तुमको दिख रहा होगा कि निगेटिव चार्ज आप लोगों को दिख रहा होगा कि एंस का मतलब होता है निगेटिव कुछ, तो
जितने भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, पहली बात जितने भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज हो और जितने भी लोन पेयर स्पीसीज हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आ गया समझ में? और जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एन का मतलब एन, एन का मतलब निगेटिव, तो याद आपको रहेगा ना, तो मतलब निगेटिव। जितने भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो मैंने सबसे पहले बताया, देखो CH3 पे माइनस चार्ज है, RC डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज है, RCO माइनस चार्ज है, RNH2 मतलब जितने भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज आपको दिखे इसका मतलब आप कहना कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोन पेयर स्पीसीज, जितने भी लोन पेयर, OH पे लोन पेयर है, NH2 पे लोन पेयर है, H2O पे लोन पेयर है, NH3 पे लोन पेयर है, तो ये सब क्या है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, सॉरी लोन पेयर है फिर भी न्यूक्लियोफाइल होंगे। बस तीन चीज आपको याद रखेंगे आप पड़ेगा कि अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन जो होंगे वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जितने भी लोन पे जिस पे रहेगा उसको भी हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और तीन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन होंगे उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तो मैंने अभी आपको बता दिया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल विथ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसके साथ मतलब उसे दिक्कत, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें डालेगा। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब अभी बता रहा हूं क्या होता है। तो पहले अभी हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज देखो है ना, पॉजिटिव चार्ज आर्गन है, मतलब किसी पे भी, मतलब इसमें से किसी पर भी ऐसा दिखे कि आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसका मतलब आप क्या है ना कि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं न्यूट्रल और वैकेंट ऑर्बिटल। देखो AlCl3 और BCl3, BCl देखो BCl का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम D कितने बॉन्ड बना सकते, तीन, तो B कितने बना लिए, तीन। वैकेंट विद न्यूट्रल भी होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। लेकिन देखो PCl के पास, PCl तीन भी बॉन्ड बना सकते हैं और पांच भी बॉन्ड बना सकते हैं, PCl जो है तीन भी बॉन्ड बना सकते हैं और पांच भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपको मैं ये बताऊं कि अभी मैंने क्या बोला, न्यूट्रल होना चाहिए, AlCl3 तो न्यूट्रल है, BCl3 भी न्यूट्रल है, BF3 भी न्यूट्रल है, PCl5 भी न्यूट्रल है। अब ये बोलोगे कि आप न्यूट्रल कैसे हो, अब इस पे ही मैं ज्यादा बहस करूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भी मैं बता रहा हूं कि न्यूट्रल आपको पता कैसे चला। देखो फॉस्फोरस जो होते हैं मैक्सिमम पांच बॉन्ड बनाते हैं, मिनिमम हम कितने भी बनाए, मैक्सिमम फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएंगे, पांच। तो देखो पांच बॉन्ड बना लिए, PCl क्या मैक्सिमम पांच बॉन्ड, इसका मतलब इसके पास कोई अब कोई नहीं आ सकता, अब कोई और बॉन्ड इसके पास नहीं बन, हाँ बॉन्ड बनेगा तो क्या इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ठीक है, हम यहां पर बात नहीं करते, बात करते कि ये न्यूट्रल है। अब मैंने बताया वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट, देखो PCl3 है, ये PCl3 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, जैसे देखो PCl3 है ना, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है, देखो फॉस्फोरस पांच बॉन्ड मैक्सिमम बनाएंगे, तीन बॉन्ड अभी क्लोरीन बना रहा है, एक दो तीन, तीन क्लोरीन, अभी भी तो दो वैकेंट ऑर्बिटल खाली, इस पर तो इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है इसको, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर उसको दिक्कत है, उसकी गरीबी मिट जाएगी। तो मैंने क्या बोला, या तो न्यूट्रल हो या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए तभी वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, आगे हम बढ़ते हैं, मैंने अभी इसको मत देखना, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो पोलर पाई बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ओ पोलर पाई बॉन्ड हुआ, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये कैसा बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे वो पोलर पाई बॉन्ड बता रहे हैं, ये पोलर पाई बॉन्ड बता रहा है, ये भी पोलर पाई बॉन्ड बता रहा है, तो इसका मतलब हम
समझे कि इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली होता क्या है, जितने भी मतलब कि आपको डेफिनेशन से याद कुछ नहीं रखना, बस इसके एग्जांपल याद रखें कि आपको मतलब कि क्वेश्चन में है तो आपको ये समझ में इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो सीधी सी बात है, मैं सीधा सीधा एक नुस्खा बताता हूं, जितने भी निगेटिव चार्ज स्पेसिस होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस क्या होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो निगेटिव चार्ज स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल लोअर। हाँ, अब ये आप मत कह देना कि आप बस आपने निगेटिव बोला, तो आपको मैं कुछ कुछ चीज बता रहा हूं जिससे आपको पकड़ में आएगी दिमाग में कि क्या बताना। जैसे लोन पेयर है फिर भी उसको न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं, और ये अल्किन अल्काइल बेंजीन है फिर भी हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। अब देखो, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और जितने भी न्यूट्रल और वैकेंट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल। और जितने पोलर पाई बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और बस एक आदमी जो है यहां पे, दो आदमी दिक्कत पहुंचा रहा है आपको, NH4+ और H3O+। देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल ना ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल में गिनती करते, ना ही इलेक्ट्रो न्यूट्रोफाइल में हम इसको गिनती करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ गया आपको, आगे हम बढ़ते हैं। देखो सॉल्व, ये इतना आपको समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इससे ज्यादा आपको मैं नहीं बताना, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, किसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, किसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट दो तरीके से हो सकते हैं, सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होंगे वो जिसका म्यू जीरो होगा, या म्यू जीरो नहीं होगा। अब ये क्या वाला म्यू जीरो होता है, क्या म्यू नॉट जीरो नहीं होता। तो अब इससे देखो, एक बात बताओ, आपको केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसका म्यू जीरो होगा, मतलब जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होता है, पोलर। जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर कंपाउंड होगा। मतलब इसका म्यू क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। मतलब जिसका लोन पेयर, मतलब मैं कहना चाहता हूं, लोन पेयर यदि प्रेजेंट होंगे तो उसको हम पोलर कंपाउंड क्या देंगे ना, ये नहीं पता था तो आप याद भी रख लो, जिस पर लोन पेयर है उसको हम पोलर कहेंगे, ठीक है। और म्यू इसका जीरो नहीं होगा, और जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट था उस पोलर कहेंगे। इसका मतलब जिस पर लोन पेयर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। और उसका म्यू क्या होगा, म्यू जीरो होगा। जैसे CCN4 इस पे लोन पेयर है क्या, नहीं है, इसीलिए ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, लोन पेयर है क्या, नहीं है, इसीलिए नॉन पोलर कंपाउंड है। अब बात करते हैं कि, अब ये आप मत कोई कमेंट कर देना कि HCl4 तो इसमें तो लोन पेयर है फिर ये नॉन पोलर है, तो अरे यार वो केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक की बात होती है। अब बात करते हैं हम पोलर में भी हमने दो तरीके के बांटा। देखो भाई, बस इसमें ये चीज आपको याद होना चाहिए, पोलर प्रोटिक। अब देखो, बस छोटा सा अंतर है, एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। मतलब देखो, ये चीज आ जाएंगे और ये चीज आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, रिएक्शन क्या है। बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि पोलर एप्रोटिक है ये या पोलर प्रोटिक है। तो देखो, कुछ नहीं याद रखना, मैंने क्या बोला, सोलवेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन पोलर, जिसका लोन पेयर नहीं होता उसको हम कहते हैं CCl4 और बेंजीन, ठीक है। अब आते हैं पोलर, जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और पोलर को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, ठीक है। पोलर प्रोटिक पहले जानते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो भी कंपाउंड फोन, FON, मतलब फोन मतलब क्या हुआ, फ्लोरिन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कार्बन SP, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, SP होगा, तब वो कंपाउंड जो होगा एक्टिव हाइड्रोजन उसमें होंगे। जैसे देखो, ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ये हाइड्रोजन इसमें क्या बता रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन, ये भी एक्टिव, देखो नाइट्रोजन के साथ, यही यदि मैं फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन जोड़ दू तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये FON के अलावा किसी और से जुड़े हो
तो हम नहीं कह सकते कि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा फंडा है, एक्टिव हाइड्रोजन हमको आपको देखना है ना, तो सीधा आप देखना जो भी एटम फोन से कनेक्टेड है, एफ ओ एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और चौथा है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब देखो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटी के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे रिएक्शन, अब पहला रिएक्शन इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पोलर एप्रोटी क्या होता है, देखो पोलर एप्रोटी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो, सीधी सी बात है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होंगे उसको पोलर एप्रोटी कहेंगे। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन। एसीटोन किसको कहते हैं भाई, जैसे CH3 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 CH3, इसको क्या कहेंगे हम, एसीटोन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एसीटोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एसीटोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एसीटोन। अब देखो मैंने आपको बोला कि जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन। मतलब जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो उसको कहते हैं पोलर एप्रोटिक कंपाउंड। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हुआ एसीटोन, दूसरा एग्जांपल हुआ डीएमएसओ। डीएमएसओ का मतलब है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में यही आते हैं, डी ये नहीं लिखा होगा डाई मिथाइल सल्फो, इसको डायरेक्ट लिखा आता है डीएमएसओ। रिएक्शन दे देगा, डीएमएसओ डाल देगा, बोलेगा क्या कौन सी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, तो आपको ये चीज डीएमएसओ याद करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर्मिक फॉर्म अमाइड, एक कार्बन है इसलिए फॉर्म, एक NH2 ग्रुप लगाया तो उसको क्या कहते हैं, अमाइड। अब देखो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को हटा के क्या किया, दो CH3 लगा दिया, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, इसको नाम हम देते हैं DMF शॉर्ट ट्रिक। ये देखो ये फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है, इसमें क्या किया, OH की जगह नाइट्रोजन लगा के CH3 CH3, यहां भी नाइट्रोजन लगा के CH3 CH3, यहां भी नाइट्रोजन CH3, तो इसका नाम हो गया हेक्सामिथाइल फॉस्फा अमाइड। क्या नाम हुआ, हेक्सामिथाइल फॉस्फा अमाइड, इसका नाम हम देते हैं शॉर्ट ट्रिक में HMPA। क्या हुआ, हम्पा। आप बोलोगे आप ये सब क्यों सिखा रहे हो, तो पहला चीज आपको एसीटोन, दूसरा डीएमएसओ, तीसरा फॉर्म यानी डीएमएफ, चौथा हम्पा, ये चीज आपको याद रखने होंगे, क्योंकि रिएक्शन आएंगे और एसीटोन डाल देगा या डीएमएसओ डाल देगा या डीएमएफ डाल देगा या हम्पा डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा होगा। एक और है मैं वो भी बता ही देता हूं, एक और ये है ईथर। ईथर क्या होता है, आर ओ सी एस थ्री, ओ सी एस थ्री से जुड़े हुए कंपाउंड होंगे उसको क्या कहेंगे हम, ईथर। ये भी क्या है, एक डीएमएसओ मतलब कि पोलर एप्रोटिक कंपाउंड है। एक और है तो बहुत लेकिन आपको जितने यूज में आएंगे वो मैं बता रहा हूं, एक है क्रॉन ईथर। क्रॉन ईथर बनाने का सबसे इजी तरीका, इतना 5 ऑक्सीजन बना लिया आपने, अब आगे क्या कर लो आप, ऐसे बना लोगे, ऐसे 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 ऐसे, इसका नाम क्या होता है, क्रॉन ईथर। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, आप ये समझोगे कि ये 15-20 मिनट का, ये मैं ये समझाना चाहता हूं कि यही आने वाला है, यदि यही नहीं आपको पता होंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किसको कराएगा, क्योंकि मैं अभी देखो रिएक्शन कराऊंगा डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा के प्रोडक्ट बना दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या डाल रहा हूं, कौन सा रिएक्शन डाल रहा हूं, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लिया हूं। ठीक है, अब बस एक चीज और बताऊंगा, बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या है, उसके बाद हम डायरेक्ट रिएक्शन पे चलेंगे। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने सब कुछ बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल किसको कहते हैं, आपको ये याद रखना होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, पोलर प्रोटिक कौन कौन से, पोलर एप्रोटिक कौन कौन से होते हैं। पोलर एप्रोटिक तो आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, पोलर एप्रोटिक एक बार रिविजन कर लेते हैं, डीएमएसओ, हम्पा, क्रॉन ईथर,
और डीएमएफ और एसिटामाइड, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो कोई रिएक्शन में बेस भी डाल सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। अब हम छोटा सा एक मतलब कि टॉपिक है जिसको हम देखेंगे कि बेस ये क्या है, बेस है ठीक है, और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब हम बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक छोटा सा डिफरेंस देखो, सबसे यही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्या कर रहे हैं, बेस क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, देखो मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होने, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए उसके पास। डोनेट इट इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन, मतलब ये बस H प्लस को ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेस जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है H प्लस को ही डोनेट करता है तो वो कहलाएगा बेस। फिर देखो When an electron reach a species, donate its electron cloud, except hydrogen. मतलब जो electron reach a species यदि hydrogen को ही electron अपना donate करता है उसको कहते हैं base, और जो electron cloud hydrogen को छोड़ के और किसी को भी कर दे donate, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, nucleophile। सीधा फंडा है कि यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करे तो वो क्या कहलाएगा, बेस। यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं करा इलेक्ट्रॉन क्लोर तो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें इसमें क्या मैं बताऊं, अब देखो छोटा सा ये एक प्रकार का क्या भी ले लिया मैं, बेस, ये क्या है बेस और ये क्या है एसिड। अब देखो अब न्यूक्लियोफाइल एसिडिक रिएक्शन नहीं होगा, यहां देखो यदि इसको मैं न्यूक्लियोफाइल ले लू, यदि इसको मैं न्यूक्लियोफाइल ले लू, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यदि काम करे तो क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां काम करने लगेगा। जैसे ही H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करेगा तो क्या करेगा, वाटर को निकाल के बाहर फेंकेगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। देखो इसमें होता क्या है, ये बेस है, मैंने अभी क्या बोला ये OS क्या है, बेस है, और ये क्या किसको डोनेट कर रहा है, H प्लस को। यदि ये H प्लस को ही डोनेट करे तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो इसको आप मतलब आप समझिएगा कि बेस की तरह क्यों काम कर रहा है अभी। लेकिन अभी देखो यहां पर ये OS- है, अभी ये बेस है कि न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे आगे वाले देखेंगे किसको डोनेट कर रहा है। ये देखो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कार्बन को डोनेट करेगा निगेटिव निगेटिव, अब यहां निगेटिव चार्ज किसको, हाइड्रोजन को नहीं डोनेट कर रहा है अपना, इसीलिए ये अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहां पर। तो देखो यहां क्या कर रहा है, H प्लस को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बेस की तरह, और ये एसिड की तरह। तो अब क्या कर लेगा, ये क्या करेगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड ये। ठीक है, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं था। अब देखो ये यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो अटैक नहीं करवा सकता, निगेटिव चार्ज ही तो अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पे। जैसे न्यूक्लियोफाइल जैसे देखो अटैक किया, तो इसका मतलब अभी आपको समझाया था ना कि यदि ओ ये निगेटिव चार्ज स्पेसिस यदि हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और को दे तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। बस यही हमें यहां समझाना था, न्यूक्लियोफाइल कैसे, तो हाइड्रोजन को कर रहा है डोनेट नहीं, बस यही सब मुझे एक कि आपको बेस किस तरह कब काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल कब काम करेगा। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो ये O माइनस है, ये भी O माइनस, ये भी O माइनस है, ठीक है। अब देखो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये निगेटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा हाईली अनस्टेबल का, अब क्या करेगा ये इस पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। अब ये बताओ आप कि यहां ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा, ये देखो हाइड्रोजन को अपना दे रहा है निगेटिव चार्ज स्पेसिस का, नहीं दे रहा, तो किसको दे रहा है, कार्बन को, कार्बन को दे रहा है, इसका मतलब ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पर यदि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, बस इतना समझना, इसके आगे नहीं समझना कुछ अभी आपको, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये भी निगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है, ये भी निगेटिव चार्ज अपना डोनेट कर सकता है, यदि निगेटिव चार्ज पे डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। बस आपको मुझे ये बताना, अब इसमें आप ये बताओ, ये कंपाउंड का ए नाम दे देता हूं, ये बी दे देता हूं, ये सी दे देता हूं। अब मैं पूछूंगा ए बी सी में से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, बना लो आप वीडियो रोक के, ए बी सी में से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी,
तो आप बताओ कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ए का होगा क्या, बी का होगा क्या, सी का होगा क्या? तो देखो अभी तो बेसिक स्ट्रेंथ को छोड़ो, मार गोली, अभी न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताओ। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ, ये तो समझ में आ गया कि अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये ट्रीट कर रहे होंगे तब हमको इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, देखो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्रॉडिंग का। अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्रॉडिंग सबसे ज्यादा किस पे हो रही है, सी पर। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, ए बी सी में सबसे कम किसका होगा, बी सी में, सी का सबसे कम, इसके बाद फिर बी का, इसके बाद फिर ए का। तो आपको समझ में आया ये किसका ऑर्डर है, ए बी सी किसका ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका होगा, ए का, बी का, सी का। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, क्रॉडिंग के। क्रॉडिंग सी का सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और बेसिक स्ट्रेंथ तो क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता क्रॉडिंग पे, तो हम क्या कर देंगे, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए का। उसके फिर नहीं बेसिक स्ट्रेंथ देखो, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्रॉडिंग का, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्रॉडिंग। तो अब देखो क्रॉडिंग पे अभी चले जाएंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो बस आपको क्रॉडिंग का ऑर्डर, मतलब न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर यदि मिल जाएगा उसके जस्ट अपोजिट से कर दोगे। न्यूक्लियोफाइल का आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही मैं इस पूरे ऑर्गेनिक में बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे ट्रीट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल कैसे ट्रीट करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, क्रॉडिंग के। क्रॉडिंग का आंसर मिल जाएगा, बेस का ऑर्डर मिल जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देना। अब देखो मैंने इतना चीज आपको बताया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ लिविंग ग्रुप है वो अभी मैं नहीं बता रहा, अब पहली रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं, डी कार्बोक्सिलिक। अब देखो कोई सी रिएक्शन होगी, मुझे भी नहीं याद आ रहा कि मैं कौन सी रिएक्शन अभी बताऊंगा, ठीक है। डी हैलोजिनेशन ही बता दूंगा, डी कार्बोक्सिलेशन कुछ भी,